मोटू पतलू ऑल द बेस्ट, गुड लक, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ आए, खूब अच्छा काम करो, देश में अपना नाम करो। चिंगम सर, सब इंतजार कर रहे हैं, अब रिबन काट भी दो। ओह सॉरी सॉरी, मैं थोड़ा इमोशनल हो गया था। चिंगम सर, आपकी बाइक की भी सर्विसिंग कर दी है एकदम फ्री ऑफ चार्ज। थैंक यू। वैसे भी मैं तुम दोनों को पैसा नहीं देने वाला था। बाइक को क्या कर दिया, स्पीड बढ़ती ही जा रही है, स्पीड कम कैसे करूं? अम्मा, मेरे कार की सर्विसिंग करनी है। मेरे कार में पेट्रोल ज्यादा लगता है। अब भैया मेरी गाड़ी में आवाज बहुत आती है यार। ठीक है, अपनी अपनी गाड़ियां चाबी के साथ छोड़ दीजिए और शाम को ले जाइएगा। बाबा मोटू पतलू, तुम दोनों मुझे भी साथ रख लो, मुझे गाड़ी रिपेयर करने का 20 साल का तजुर्बा है। ओके ठीक है, काम शुरू कर दो। सब गाड़ियाँ तो रिपेयर हो गई, लेकिन ये सब पार्ट जो बचा है ये कहाँ लगाना है? जो बच गया वो फालतू है, ये कंपनी वाले ऐसे ही काम बढ़ाते रहते हैं, फेंक दो इन्हें। बुड़ी बाबा, तुम कार रिपेयर कर रहे हो या कार बेकार कर रहे हो? अरे तुम चिंता मत करो, हमें मालूम है हम क्या कर रहे हैं। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे बचा लो। किससे बचा ले? अरे कौन तुम्हारे पीछे है? ब्लैक कोट गैंग का नाम तो आपने सुना ही होगा, उसी गैंग के लोग मेरे पीछे पड़े हैं। वहाँ का पुलिस इंस्पेक्टर भी उनके साथ मिल गया है, वो देखो वो आ रहे हैं, ब्लैक कोट गैंग पुलिस के साथ। चिंगम अपराधियों का साथ देगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम चिंता मत करो, हमारे होते हुए तुम्हें कोई भी गैंग नहीं पकड़ सकता, आओ हमारे साथ। मोटू चिंगम से पूछ तो लेते कि क्या हो रहा है। तुम्हें पूछना है तो पूछो, मैं चिंगम से बात भी नहीं करना चाहता। देखो कैसे ब्लैक कोट गैंग के साथ इधर ही आ रहा है। मोटू रुको रुको, स्टॉप मोटू, स्टॉप इन द नेम ऑफ लॉ, उस आदमी को हमारे हवाले कर दो। आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। चिंगम सर, आप तो शरीफ इंस्पेक्टर थे, फिर ऐसे कैसे हो गए? ऐसे कैसे का क्या मतलब, मैं क्या हो गया, ऐसे हो गया? भैया माँ, क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? मोटू जी बात मत करो, स्पीड बढ़ाओ। बस करो, और नहीं भाग सकता, रुक जाओ प्लीज। एक इंच आगे नहीं बढ़ी कार, कैसे कार चला रहे हो? सॉरी, जैक लगा हुआ है। चिंगम सर, अगर आप अच्छे आदमी हो तो जैक को एक किक मारो। ये क्या कर दिया? मैं अच्छा आदमी हूँ इसलिए किक मारा। आपने उस नटवर लाल को भगा दिया, वो बहुत बड़ा अपराधी है। हम CID वालों को कब से उसकी तलाश थी, उसे भगाने के जुर्म में आपको भी सजा हो सकती है। जल्दी से वो दूसरी कार में बैठ के पीछा करो।